चलो जी, सफर हमारा साल हुआ, जा रहे हम दिल्ली टू लद्दाख। ये घर वाले रो रहे। बिल्लू अच्छा भाईजान, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। और भाई चल फिर, रो क्यों रही हो? सफर आसान करे। रो क्यों रही हो? चलो जी चलते हैं, सब रो रहे हैं, हम भी इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आगे। हमारे माँ में भी छोड़ने आ रही है। हम भी इमोशनल हो रहे हैं घर से निकलते टाइम, और हम भी अपने इमोशनल रोक रहा हूँ मैं। ठीक है, और मम्मी इमोशनल नहीं रोक पा रही, वो फुल इमोशनल हो रही हैं। मैं भी हाँ। बिल्लू हाँ जी, ये छोड़ने आ रहे हैं। हम थोड़ा सा बैग खाली करने चले गए थे, एक्स्ट्रा हो गया वजन भी हमारा, कम से कम 14 किलो है बड़े वाले बैग का, और 10 किलो आगे वाले बैग का हो रहा तकरीबन। तो हम पे काफ़ी ज़्यादा वजन हो रहा है, 20 किलो हम पे वजन है। जा रहे हैं आगे की साइड, देखते हैं रोड पे कोई लिफ्ट देता ही नहीं देता। भाई यहाँ लिफ्ट नहीं मिली, यहाँ पर खड़े खड़े हमें 10 मिनट हो गए, किसी ने नहीं रोका यहाँ पर, और खड़े रहे हम। टैक्सी वालों को भी दिखाते रहे, टैक्सी वाले भी इसी पे जा रहे हैं देख देख के, कोई नहीं आ रहा। हम आगे की तरफ पैदल जा रहे हैं। ये है मैं गगन सिनेमा, सर्च कर सकते हो लोकेशन, दिल्ली के अंदर। पहला टारगेट करनाल बाईपास पहुंचना, फिर वहां से कई ट्रक वाले मिल जाएंगे शायद, वहां से लिफ्ट मिल जाए, इसलिए करनाल बाईपास हमारा पहला टारगेट है। कोई बात नहीं, आपने रोका इतना ही है, आपका बहुत बड़ा शुक्रिया है, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अब जो होगा देखा ही जाएगा। ठीक है, इन भाई ने पहली लिफ्ट बस वालों ने दी है, डीटीसी बस वालों ने दी है। क्या नाम है भैया आपका? भाई देव। देव भाई, भैया नाम क्या है? रोहित भाई। थैंक यू भैया। दिल्ली से लता भाई पहुंचे, बहुत जल्दी पहुंचे जी, भागा व्यू भेजियो भाई। ठीक है भैया, ये देखिए देख रहे लड़के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, कंधों पे बहुत ज्यादा वजन हो चुका था, तो इस वजह से थोड़ा सा काम ने देख लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, खजूर तक कहीं लिफ्ट मिल जाएगी, तो फिर वहाँ से करनाल बाईपास निकलते हैं। भाई ने दूसरी लिफ्ट दी है अभी, ये सिग्नेचर ब्रिज पर। थैंक यू भैया, भाई का टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं सिग्नेचर ब्रिज पर। भाई ने दूसरी लिफ्ट दी है, हमें दूसरे भाई मिले हैं बड़ा, और हमारा अब हौसला बढ़ रहा है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आगे। यही सपना था हमारा करने का, बैग भी नहीं आ रहे हमारे, इतने भरे पड़े हैं सारी चीज़ें, हम भी बैठ नहीं पा रहे, लेकिन कोई बात नहीं, लिफ्ट मिली, ऐसे ही एडजस्ट करते हुए हमें जाना होगा। ठीक है, दूसरी लिफ्ट मिली, हमें बड़ी खुशी है, और हमारा बड़ा भाई आज़ादपुर तक जा रहे हैं, लेकिन हम बाहर उतर जाएंगे, फिर करनाल बाईपास पहुंच जाएंगे, फिर वहां से तो कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आगे सफर में। भैया ने हमें छोड़ दिया है, भैया आपको सबको ऊपर वाला हर खुशी दे भाई। ठीक है, थैंक यू भैया। ये देखें यहाँ पर हम तीसरी लिफ्ट मांगते हैं आगे के लिए, क्या पता लिफ्ट मिल जाए। देख इन भाई, ये भाई ने रोक लिया, शायद हमें तीसरी लिफ्ट मिल जाएगी, तीसरी लिफ्ट हमें मिल जाएगी। भाई छोटे हाथी वाले बड़े मदद करते हैं भाई। ये भैया लद्दाख तक जा रहा हूँ, पैदल लद्दाख तक जा रहा हूँ, आप आगे तक कहीं तक छोड़ दोगे? वैसे करनाल बाईपास तक जाना है मुझे। कहाँ तक जा रहे हैं वैसे आप? बैठ जाऊँ? ये भैया ने लिफ्ट दे दी है, अब हम आगे तक जाएंगे। भैया ने हमें छोड़ दिया यहाँ पर करनाल बाईपास पर, ये देखें कनाल बाईपास है, अब हम पानीपत के लिए जाएंगे। थैंक यू भैया। माहौल बना रखा था भाई अंदर, पूरी कव्वाली चला रखी थी, और मज़ा आया बात करके भैया के साथ। तो इन्होंने काफ़ी लंबी लिफ्ट दे दी, इन्होंने कनाल बाईपास पर आ चुके हैं, हम पानीपत के लिए इस रूट पर
लिफ्ट लेंगे, देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती। ये भैया ने हमें अभी लिफ्ट दे दी। पीछे बैग रख दूँ, काफी बड़ा वाला बैग है। ये बैग पीछे रख देते हैं, काफी बड़ा बैग है। नाम है भैया आपका? सलमान खान। सच्ची में मेरा भी सलमान खान ही है वैसे, पर आसान कर दिया ऊपर वाले ने हमारा और हमें चौथी लिफ्ट मिल चुकी है। भाई भैया कहाँ से हो आप? कहाँ रहते हो? बड़ौत बागपत। बड़ौत बागपत, और हम जा रहे हैं पैदल लद्दाख बिना पैसों के। तो बहुत अच्छा जी, तो भैया ने लिफ्ट दे दी, अच्छा लगा। अब देखते हैं हम कहाँ तक जाएंगे आगे तक। हमें पानीपत के लिए जाना है फिलहाल। ये हाईवे पानीपत तक पहुँचते हैं और फिर आपको आगे दिखाते हैं। भैया ने लिफ्ट दे दी, हमें सोनीपत के पास उतार दिया। अब हम सोनीपत पहुंच चुके हैं, अब सोनीपत से हम पानीपत के लिए जाते हैं। ठीक है, भाई हमें 10 मिनट हो गई है यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिली, तो हम यहाँ लिफ्ट मांग रहे हैं, क्या पता कोई लिफ्ट दे दे। ठीक है, मैं खड़ा हूँ सोनीपत के पास। हाँ, दिल्ली से लद्दाख ये भैया मिले हैं हमें, इन्होंने भैया ने लिफ्ट दी हमें। भैया को थैंक यू कह देना कमेंट में। आधे घंटे से खड़े थे हम वहाँ पर रोड पर, इतना बैग भारी बड़ा वाला तो हमने रख दिया था जमीन पर और ये छोटा वाली टांग रखा था। भाई ने बोर्ड देखा तो आगे जाके रोका, वो फिर एक भैया आए, वो देख के जा रहे थे अपनी अम्मी के साथ, तो वो भाई बाइक पर वापस आए और मुझे बताया कि वो भाई ने रोक लिया है, तो फिर मैंने नहीं बताया, फिर मैं गाड़ी में बैठा। तो भाई बड़ा तहे दिल से शुक्रिया भाई का। पानीपत तक जा रहे हैं भाई, कम से कम 30 किलोमीटर है, कितना है? 40 किलोमीटर तक की लिफ्ट मिल गई हमें, बहुत बढ़िया ऊपर वाले ने करम किया। और भाई को भी बहुत सारी दुआएं, हमारी भी, हमारे घर वालों की भी और आप सबकी। ठीक है, भाई के साथ हमेशा अच्छा हो। चले आगे बढ़ते हैं सफर। क्या नाम है भैया आपका? शिवम भैया का नाम है। कमेंट में शिवम भैया के लिए कुछ जरूर लिखना अच्छा सा। भैया ने हमें बहुत क्राउड आ गया, भैया का थैंक यू। भैया ने हमें छोड़ा कम से कम 40 किलोमीटर सोनीपत से पानीपत। अब हम आगे के लिए जाएंगे करनाल की साइड, कुरुक्षेत्र की साइड। ठीक है, तो चलो लिफ्ट मांगते हैं अब और आगे की। चंडीगढ़ 152। क्या नाम है भैया आपका? करण भैया। और आपका? प्रिंस। पहला मेरा ट्रक है जिन्होंने लिफ्ट दिया अभी तक, वो छोटे हाथी वालों ने पहुंचाया दिल्ली से यहाँ तक। कहाँ तक जाओगे भैया? करनाल तक जाएंगे। कितना किलोमीटर होगा तकरीबन? यहाँ से होगा 60 किलोमीटर। तो काफी अच्छी लिफ्ट मिल गई, तो आगे करनाल तक पहुँचते हैं। और भाई का तहे दिल से थैंक यू। भाई सीएनजी भरवा रहे हैं, बड़े बढ़िया भाई हैं हमारे। करनाल तक जा रहे हैं, कम से कम 60 किलोमीटर है, कम से कम एक घंटा तो लग ही जाएगा, डेढ़ घंटा। और टाइम भी हो रहा है, एक डेढ़ बज रहे हैं, तो मैंने सोचा खाना खा लिया जाए। भाई खाना खा लूँ? ना खाओ कोई बात नहीं, आप भी खा लो, रोटी ले लो, होटल पे चलो। नहीं, ये खा लेते हैं घर की रोटी पहली बार है, अब तो फिर उसके बाद तो खत्म ही है सब कुछ। ये देखो जी, पूड़ी बांध दी घर वालों ने और थोड़ी सी आलू की भुजिया, आलू भुजिया सब्जी। भाई दही भी लिया है बड़ी वाली। अच्छा, भाई के ट्रक में दही भरी पड़ी, लस्सी भरी पड़ी है। भाई बड़े खातिरदारी कर रहे हैं भाई, ये होते हैं भाई हरियाणा के बंदे, ऐसे होते हैं भाई दिलेर भाई, बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं। दिल से भाई का थैंक यू, मजा आ गया भाई सफर में, मजा आ रहा है। थोड़ी सी पूड़ी खाई, थोड़ी सी सब्जी खाई, बाकी दही खाएंगे, बाकी भाई पेप्सी लिया है, तो अलग ही ठाट वाट चल रहे हैं हमारे सफर में भी। ठीक है, मिलते हैं आगे। ये देखो पार्टी चल रही है भाई, पैक सेक चल रहे हैं, सॉरी पैक सेक नहीं चल रहे भाई, ओनली कोल्ड ड्रिंक चल रही है ठंडा। ट्रक वालों के आपने सुना होगा ज्यादातर बंद पैक सेक ही चलते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे पैक सेक नहीं चलते, बट यहाँ के भाइयों के ये वाले पेप्सी के पैक सेक चलते हैं। यहाँ भैया ने हमें उतार दिया, मजा आ गया भाई भाइयों के साथ। तो भाइयों ने बहुत अच्छी पेप्सी दही वगैरह खाने के लिए भी क्या खाओगे जो भी, मतलब बढ़िया कर दिया भाई ने। पानीपत के पास पहुंच चुके हैं, अब हम मांगते हैं आगे की लिफ्ट।
और चलते हैं अम्बाला की साइड, ठीक है। और देखते हैं भाई, एक और लिफ्ट मिल गई है भाई। अंकल जी ने, सरदार जी हैं, इन्होंने ट्रक रोक लिया है, तो पूछते हैं कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ तक रिश्ते देंगे, कहाँ तक सीधे। गेट भी खोल रखा है अंकल जी ने। ये देखो बाबा जी ने हमें लुधियाना तक की लिफ्ट दे दी बाबा जी ने हमें। तो लुधियाना कितना किलोमीटर है? 225। तो कितने बज जाएंगे हमें तकरीबन लुधियाना पहुंचते वास्ते? 10 बज जाएंगे। रात के 10 बज जाएंगे? रात के 10 बज जाएंगे लुधियाना पहुंचते पहुंचते। तो मैं देखते हैं हमारा सफर आज कहां तक का रहेगा। ठीक है भैया, अब बाबा जी हमें चाय पिलाने वाले हैं, तो हम चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे अम्बाला के पास पहुंचने वाले हैं। आधा घंटे में अम्बाला पहुंच जाएंगे। ये बाबा जी हमारे, इन्होंने हमें लिफ्ट दी है और ये लुधियाना तक जा रहे हैं। तो हम देखते हैं लुधियाना, हमें तो चंडीगढ़ तक जाना है, तो चंडीगढ़ तक जाएंगे या अम्बाला तक जाएंगे, रात भी होने वाली है, रुकना कहाँ है वो भी देखना है। चलो देखते हैं। नशों में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाता है। बाबा जी ने हमें जीरकपुर के पास छोड़ दिया है। शाम हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं और हम यहाँ पर जीरकपुर के पास उतर गए हैं। ये देखें चांद को, देखें चांद भी ढलने वाला है। अब तो हम अब सोने का और लेटने का इंतजाम देखते हैं, कहाँ पर स्टे करेंगे आज रात। भाई अब हम चंडीगढ़ में लिफ्ट मांग रहे हैं, हम चंडीगढ़ में खड़े हैं जिकारपुर की तरफ, और अभी हम लिफ्ट मांग रहे हैं, देखते हैं पंचकुला के लिए हमें कोई लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती। पंचकुला तक चलते हैं, फिर उसके बाद स्टे का देखेंगे। दोस्तों गुरुद्वारा है इधर, गुरुद्वारे के पास ही यहाँ पर दरगाह है, तो हमने दरगाह पे पूछा कोई था, तो हमने पूछ लिया यहाँ रुक जाएं, तो उन्होंने कहा चलो रुक सकते हो आप, तो हमने कहा चलो यहाँ रुक जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बैग वेग हमने इस साइड रख दिए हैं, तो दरगाह है यहाँ पर, बस यहाँ अकेले हम सोएंगे, लेकिन ओपन है यहाँ, सेफ्टी थोड़ी सी ऐसे ही रहेगी कि कोई भी घुस जाएगा, ईजी टू एक्सेस है, क्योंकि गेट वगैरह नहीं है क्लोज के, यहाँ पर शायद काम चल रहा है अभी, तो इस वजह से अभी हम यहाँ रुकते हैं थोड़ा और देखते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा खाने का क्या इंतज़ाम होगा यहाँ पर आसपास, तो उन्होंने कहा हाँ पीछे यहाँ गुरुद्वारा है, तो यहाँ पर 7 बजे लंगर होगा, तो जल्दी जाना, तो खा रहे ना। मैंने सही कहा, ये चलो यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। तो अभी हमें पंचकुला से पहले माहौल इस तरह का है, मैं पहुँच चुका, मैंने स्टे की जगह ढूँढ ली है, और बाकी आगे की कहानी मैं थोड़ी बाद में सुनाऊँगा आपको। भाई रहते बड़े वाले, तो उनके लिए खाना लाए थे, तो फालतू भी ले आते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ पर रुकने वाले आ जाते होंगे, तो इसलिए। तो अब हम खाना खाते हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, सब्ज़ी तो अच्छी लग रही है और रोटी भी बढ़िया है। सही है? नहीं सही है। रात हो चुकी है, खाना भी खा लिया है, स्टे की जगह भी हमने ढूंढ ली है, और डर भी हमें लग रहा है, वो घर की याद भी हमें बहुत आ रही है, लेकिन ये हमारी पहली रात है, इसलिए जैसे जैसे हमें काटनी होगी, वो फिर कल एक नया सवेरा होगा, नया दिन और नया सफ़र हम चालू करेंगे। कल हम फाइनली पहाड़ों में स्टार्ट कर देंगे, हम पहुँच जाएँगे शिमला, 150 किलोमीटर है यहाँ से शिमला, ठीक है। अभी हम अकेले हैं यहाँ पर, भाई जो यहाँ पर रहते हैं वो बाहर गए हुए हैं घूमने, और फिर वो यहाँ पर आके रहेंगे, वो बराबर में कमरे में सोएंगे, और हम यहाँ पर बाहर खुले में चारवाई पर सो रहे हैं। और इस वीडियो को करें लाइक और कमेंट करें जो जो आपको अच्छा लगा, और चैनल कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना। मोर अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो कर सकते हैं।
बोन टू आवारा। और कैसा लगा ये नाम, इसको ये भी कमेंट में बताना ज़रूर। ओके चलते हैं, बाय बाय।